द फ्रेमवर्क लेसन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें कैमरा इंटरनेट एंड मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स की वीडियो अपडेट्स के लिए। हे गाइस, मैं हूं आक्ष, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम ड्रोन को फ्लाई करते हैं और कैसे इसके बेसिक शॉट हम लेते हैं। इस वीडियो में हम वो बात करेंगे। लास्ट के जो दो वीडियो हैं उसमें हमने बात की थी। सबसे पहली वीडियो में मैंने रिमोट कंट्रोलर के सारे बटन्स के बारे में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इसके बाद आप वो वीडियो देख सकते हो। और उसके बाद मैंने जो स्मार्ट बैटरी है ड्रोन में, जो स्मार्ट बैटरी हम यूज़ करते हैं उसका टाइम क्या रहता है या फिर कार्ड कौन से कितने FPS का कार्ड हमने लेना चाहिए, वो सब मैंने अभी तक मैं ये सब कवर कर चुका हूँ। तो आपको वो देखना है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पूरी एक सीरीज़ है जिसमें मैं आपको ड्रोन के बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक आपको सब कुछ उसमें बताऊंगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम ड्रोन को इंस्टॉल करते हैं और उसके साथ साथ कैसे रिमोट कंट्रोलर के बटन काम करते हैं। मैं मैन्युअली आपको दिखाऊंगा फ्लाई करके और कैसे कितने अच्छे तरीके से हम इसको टेक ऑफ कर सकते हैं या कितने अच्छे तरीके से हम इसको लैंड कर सकते हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले हम ड्रोन को इंस्टॉल करना देखते हैं, कैसे हम इसको इंस्टॉल करते हैं। बहुत ही आसान है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप करोगे तो बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। तो सबसे पहले आप, ये मैंने अनबॉक्सिंग पहले कर रखी है तो मैंने अनबॉक्सिंग नहीं की। इसमें हमें, मैं आपको बता देता हूँ, ये फैंटम 4 मिलता है जो इसका एयरक्राफ्ट है, उसके बाद एक रिमोट कंट्रोलर मिलता है और ये 4 और एक्स्ट्रा प्रोपेलर मिलते हैं हमें और जो बैकअप के लिए रहते हैं। अभी मैंने 4 ही रखे हैं। और जो आपका ये फैंटम 4 है और जो प्रो है, प्रो प्लस है, उसमें प्रो प्लस में आपको साथ में मोबाइल, ये जो स्क्रीन है साथ में मिलती है, लेकिन जो फैंटम 4 है उसमें आपको मैन्युअली आपको इसमें ऐप इंस्टॉल करनी है और आप उसको इसमें डालना है। तो अभी हम देखते हैं इसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि जो दो ब्लैक हैं, दो ग्रे कलर की हैं, जो दो ब्लैक कलर हैं वो हमें पहले हम करते हैं इंस्टॉल। यहाँ पे आपको यहाँ पे मेंशन भी है राइट साइड में इसको घुमाना है कि लेफ्ट में घुमाना है। तो आपको ऐसे हाफ प्रेस करना है हल्का सा और इसको लेफ़्ट साइड कर देना है। यहाँ इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये दिखाएगा कि इसको लेफ़्ट करना है कि राइट करना है। तो ब्लैक वाली को हमें लेफ़्ट करना है और फिर ऐसे करके देखना है ये बिल्कुल सही से लग गई है। सेम ब्लैक कलर को हमें इसके अपोजिट साइड करना है सामने, तो इसको हमें यहाँ पे लेफ़्ट घुमाना है। अभी ग्रे कलर इनकी जो बचे हुए पे दो पे ग्रे कलर की लगेगी, तो इस ग्रे कलर को हमें राइट की तरफ घुमाना है, ये देखिए। और यहाँ पे इसको भी हमें इसके सामने ग्रे कलर की है, इसको ऐसे करना है। इसके बाद हम रिमोट कंट्रोलर को देखते हैं। रिमोट कंट्रोलर में हमें यहाँ पे जो ऊपर ये साइड में आप देखोगे तो यहाँ से ऊपर नीचे होता है मोबाइल, या आपको टैबलेट इसमें लगानी है तो टैबलेट के लिए बड़ा साइज़ है तो इसको ज़्यादा ओपन कर सकते हैं, नहीं तो आप मोबाइल के लिए करते हैं। उसके बाद इनको यहाँ पे खोल के यहाँ पे आप फ़ोन को यहाँ पे लगा सकते हो। इसके साथ अलग से जो ड्रोन के साथ केबल आती है वो भी आप लगा सकते हो, या फिर आपके फ़ोन को जो सपोर्ट करती है, जैसे ये सी टाइप केबल है तो मैं ये वाली अपनी अलग से लगा रहा हूँ। और जो ड्रोन के साथ आती है वो नॉर्मली एंड्रॉयड फ़ोन के लिए या फिर आप आईफोन के लिए भी खरीद सकते हो, ये वाली आप अपनी फ़ोन वाली भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी मैं ये इंसर्ट कर देता हूँ पीछे और ये हम लगा लेंगे फ़ोन में। तो ये फ़ोन में लगाया। इसके लिए हमें एक ऐप की ज़रूरत पड़ती है। जब आप मोबाइल से ड्रोन को फ्लाई करोगे तो यहाँ पे एक ऐप की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पे DJI Go 4 के नाम से एक ऐप है। उसमें आप जितने भी DJI के जितने भी ड्रोन हैं वो सारे इसमें सपोर्ट करता है, चाहे वो मैविक एयर है, मैविक प्रो है, सारे इसमें यहाँ पे सपोर्ट करता है। तो ये आपका सेटअप रिमोट कंट्रोलर रेडी और ये आपका एयरक्राफ्ट रेडी। और इससे पहले, ड्रोन को फ्लाई करने से पहले आपको ये कैप उतारनी है। उतारनी इसलिए भी ज़रूरी है, जब आप ड्रोन को ऑन करोगे इसको और रिमोट कंट्रोलर को, तो पहले वो नीचे डाउन करता है फिर ऊपर करता है, वो देखता है कि वो कैलिब्रेशन जहाँ पे वो रखा गया है वो सेफ जगह पे है कि नहीं है। तो इसको उतारना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके गिम्बल को नुकसान हो सकता है। तो बस ये बेसिक सी कुछ चीज़ें हैं। और एक और चीज़ है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहली बार जब आप ड्रोन को फ्लाई कर रहे हो उसमें क्या है कि यहाँ पे होता है PSA मोड होता है। इसमें एक पोजिशनिंग है, स्पोर्ट्स है और एक ATTI मोड है। इसके बारे में मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है, उस पर आप क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हो। उसमें आपको मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया है कि पोजीशनिंग मोड क्या है, स्पोर्ट्स मोड क्या है और ATTI मोड क्या है। लेकिन जब आप पहली बार फ्लाई कर रहे हो तो आपको पोजीशनिंग में ही आपको फ्लाई करना है, ये बात ध्यान रहे, क्योंकि आपके जो इसमें जो ऑब्स्टेकल सेंसर हैं वो अगर आप स्पोर्ट्स मोड या ATTI मोड करोगे तो वो बंद हो जाएंगे, अपने आप से डिसेबल हो जाएंगे। और जब आप पहली बार फ्लाई करोगे तो आप क्रैश भी कर सकते हो, तो उसके लिए जो ऑब्स्टेकल सेंसर हैं उसको रोकने के लिए आपको इसको पोजीशनिंग मोड पर करना बहुत ज़रूरी है। तो बस यही देखना है आपको। और जब आप पहली बार फ्लाई कर रहे हो तो ट्राई करो कि खुली जगह पर करो, कोई ऐसी कोई बिल्डिंग पास में है या फिर कोई
कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्टेड एरिया में नहीं करनी जहाँ पे आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और आपका ड्रोन क्रैश हो जाए। बस ये दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है और बाकी बिल्कुल सेट है प्रोग्राम। और अभी हम आगे इसको फ्लाई करके देखते हैं। तो गाइज नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि इसको टेक ऑफ कैसे करना है और लैंड कैसे करना है। ये दोनों चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी हैं। जिसको करने के दो तरीके हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आप डायरेक्ट ऐप के थ्रू कर सकते हो, एक आप मैन्युअली कर सकते हो। पहले मैं आपको मैन्युअली बता देता हूँ कि कैसे करना है, क्योंकि आपको मैन्युअली पता होना चाहिए, वो आप हाथ में भी उसको लैंड कर सकते हो। तो मैन्युअली करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से आप इसको कर पाओगे। जो इसमें ऐप के थ्रू होता है वो उसको पता नहीं होता कि नीचे कैसा एरिया है, तो वो अपने हिसाब से करेगा। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मैन्युअली टेक ऑफ कैसे करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ड्रोन को ऑन करना है। सबसे पहले हम रिमोट कंट्रोलर को यहाँ से ऑन करेंगे। एक सेकंड के लिए हमने यहाँ पे दबाया, फिर लॉन्ग प्रेस करना है। पहले हमने प्रेस करना है एक सेकंड के लिए, उसके बाद लॉन्ग प्रेस करना है 4-5 सेकंड के लिए। तो यहाँ पे ये ऑन हो गया, ये रेड लाइट है। मैंने रिमोट कंट्रोलर की वीडियो में ही बताया इसके बारे में। ये रेड लाइट है मतलब ये अभी एयरक्राफ्ट से कनेक्ट नहीं है, तो अभी हमें इसको कनेक्ट करना है। तो उसके लिए हमें अभी एयरक्राफ्ट को ऑन करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक बार सिंगल प्रेस करना है, फिर लॉन्ग प्रेस करना है। जैसे ही आप इसको यहाँ पे करोगे तो ये इससे कनेक्ट होते ही यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। अभी मैं आपको यहाँ पे आपको सिर्फ एक थोड़ा सा हाइट पे इसको फ्लाई करके आपको दिखाता हूँ। मैं जैसे ही आप फ्लाई करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो रिमोट कंट्रोलर है उसकी दो जॉयस्टिक हैं, उनको एक को इधर लेफ्ट की तरफ करना है, इधर, दूसरी को इधर करना है और प्रेस करके रखना है थोड़ी देर के लिए। मैं इसको पीछे कर देता हूँ। ये देखिए थोड़ा सा जैसे मैंने प्रेस करके रखा, ये स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। अभी ये टेक ऑफ नहीं करेगा तब तक मैं ना चाहूँ, तो मैन्युअली में ये फ़ायदा है। अगर आप इसको ऐप से करोगे तो अपने आप से 5 फीट ऊपर खड़ा हो जाएगा जाके। उसके बाद इसको बंद करना है अगर, तो सिंगल लेफ्ट हैंड को आपने ऐसे प्रेस करना है। फिर जब प्रेस करके रखोगे ये बंद हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद इसको अगर फ्लाई करना है तो कैसे करेंगे, मैं थोड़ा सा पीछे होकर इसको फ्लाई करता हूँ, हल्का सा ऊपर लेके जाएंगे। ऐसे मैंने दबाया और इसको ऊपर उठाया, ये देखिए, और ऐसे ही हम इसको लैंड कर देंगे। ऐसे करके यहाँ पे किया। सेम अगर हम ऐप के थ्रू देखें तो ऐप में भी ऐसे ही होगा। ऐप में हमें वहाँ पे स्लाइड करना है। जैसे ही आप यहाँ पे ऐप को ओपन करोगे, यहाँ पे टेक ऑफ का ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद जैसे इसको स्लाइड राइट करोगे तो ये आपका अपने आप से टेक ऑफ करेगा। और उसके बाद अगर आपको लैंड करना है तो सेम आप सेफ कहीं पे भी प्लेस देख के, यहाँ पे आप सेम जगह पे प्लेस प्रेस करोगे तो उसके बाद राइट में स्वाइप करोगे दोबारा से तो ये वहीं पे लैंड करेगा। तो बस आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, जहाँ पे ये लैंड कर रहा है वहाँ पे थोड़ा सा मतलब फ्लैट सरफेस हो। तो बस यही है इसमें ध्यान रखने वाला, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक दो बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, आप मैन्युअली ही करो। मैन्युअली करने से क्या है कि आप अपने हाथ में भी लैंड कर सकते हो। तो गाइस अभी हम बात करेंगे जॉयस्टिक की, जॉयस्टिक का क्या रोल रहता है और कैसे एयरक्राफ्ट मूव करता है जॉयस्टिक से। तो ये तो हमने देख लिया लैंड और स्टार्ट करने का। इसके बाद हमने, अगर हम लेफ्ट जॉयस्टिक की बात करें, लेफ्ट जॉयस्टिक को हमें अगर हम आगे की तरफ करेंगे तो एयरक्राफ्ट ऊपर की तरफ जाएगा। अगर हम इसको आगे की तरफ करेंगे तो एयरक्राफ्ट ऊपर की तरफ जाएगा। अगर हम इसको पीछे की तरफ करेंगे तो एयरक्राफ्ट नीचे आएगा, ऊपर नीचे लेफ्ट हैंड से, ऊपर नीचे लेफ्ट हैंड से। उसके बाद राइट जॉयस्टिक से अगर आप आगे करोगे तो एयरक्राफ्ट आगे की तरफ जाएगा, और अगर आप इसको पीछे करोगे तो एयरक्राफ्ट पीछे की तरफ आएगा, आगे पीछे। और अगर आप इसको लेफ्ट की तरफ करोगे तो एयरक्राफ्ट लेफ्ट जाएगा, और अगर आप एयरक्राफ्ट को राइट की तरफ करोगे तो एयरक्राफ्ट राइट की तरफ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, आप एक बार करके देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। पहली क्लास में, पहले दिन आपको यही प्रैक्टिस करनी है, आपको ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे इतना। इससे हम बहुत क्रिएटिव शॉट निकाल सकते हैं, वो मैं आपको दिखा दूंगा इस वीडियो के एंड में कि हम सिर्फ इतना सीखने से कैसे कैसे शॉट ले सकते हैं। तो आपको अभी इस वीडियो में ऊपर करना, नीचे करना, आगे करना, पीछे करना, लेफ्ट करना, राइट करना, ये सब आ गया है। और इसके बाद आप इसकी प्रैक्टिस करो। सबसे ज़रूरी है कि आपका जॉयस्टिक पे हाथ कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपको एक बार आपने प्रेस किया उसके बाद एकदम ज़ोर से प्रेस किया, तो उससे क्या होता है कि आपके शॉट में जर्क आ जाएगा। पहले धीरे जा रहा है फिर तेज़ हो जाएगा एकदम से। तो इंटेंशनली अगर आप चाहते हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आपको बिल्कुल ध्यान से करना है। तो फिलहाल आप इसकी प्रैक्टिस करो, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि कैसे आप क्रिएटिव शॉट ले सकते हो। क्रिएटिव शॉट में जैसे कि आप सी वाला शॉट ले सकते हो, या फिर आप स्पोर्ट्स मोड में कैसे काम कर सकते हो। स्पोर्ट्स मोड में 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से होता है, उसमें शॉट लेने से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। और उसके बाद अगर आपको कोई ऐसा एरियल व्यू शॉट चाहिए और ऐसे रोटेट करना है, ये सारे शॉट मैं आपको जो एडवांस क्लास है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा।
अभी फिलहाल के वीडियो में इतना ही। आप बिल्कुल इसकी प्रैक्टिस करो आराम से, ट्राई करना कि खुली जगह में अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए ज़्यादा ठीक है। तो वहाँ पे प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करके नेक्स्ट क्लास मेरी देखो, आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगा कि कैसे कैसे ड्रोन को करना है। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपके कोई क्वेश्चन या सजेशन है इस वीडियो को लेकर या किसी भी वीडियो को लेकर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर इस टाइप की वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक यू।